गुजरात को सिर्फ 89 रन पर ऑल आउट कर पावर प्ले में ही जीती दिल्ली कैपिटल्स। गुजरात के सारे बल्लेबाज रहे फ्लॉप, तो वहीं दिल्ली के गेंदबाजों ने मुकाबले में मचाया आतंक। जीत के बाद दिल्ली कैपिटल्स टीम को मिली पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ी खुशखबरी, जबकि हार के बाद जीटी को लगा बड़ा झटका। तो ऐसे में दोस्तों, क्या है पूरी खबर की जानकारी, आखिरकार कैसे दिल्ली ने गुजरात को मात्र 89 रन पर ऑल आउट कर मुकाबले में मचा दिया है तहलका, बताएंगे पूरी खबर की जानकारी आज की वीडियो में। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी हैं दिल्ली कैपिटल्स और ऋषभ पंत के फैन, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज आईपीएल 2024 का 32वां बेहद ही रोमांचक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस टीम के बीच खेला गया, जहां दोस्तों आपको बताएं कि आज दिल्ली कैपिटल्स ने पहले टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी और गुजरात टाइटंस को पहले बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया। तो वहीं पहले बैटिंग करने उतरी गुजरात टीम की शुरुआत बहुत ही खराब रही। दिल्ली के गेंदबाजों ने शुरुआती ओवर से ही किफायती गेंदबाजी किए और पावर प्ले के अंदर दोनों ओपनर सहित 4 विकेट गिराकर गुजरात को बैकफुट पर धकेल दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों, बल्लेबाजी करने आई मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज भी दिल्ली कैपिटल्स के खतरनाक गेंदबाजी के आगे क्रीज पर ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए और अपना विकेट गंवाते चले गए। केवल अंतिम के ओवर में ऑलराउंडर रशीद खान ने सबसे ज्यादा 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 31 रन बनाए, बाकी सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे और सस्ते में आउट हो गए, जिसके वजह से दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में ऑल आउट होकर 89 रन ही बना सकी। वहीं दिल्ली कैपिटल्स की ओर से मुकेश कुमार 3 और ईशांत शर्मा और स्टब्स को 2-2 विकेट मिला। वहीं इसके जवाब में दोस्तों, 89 रनों के छोटे से लक्ष्य को चेज करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स टीम की भी शुरुआत बहुत ही खराब रही। पृथ्वी शो मात्र 7 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन फिर मेक गर्क 20 और पोरेल ने 15 रन की अच्छी पारी खेलकर टीम को संभाला और पावर प्ले में 67 रन ठोक दिए। और फिर दोस्तों, इसके बाद कप्तान ऋषभ पंत और साई होप ने शानदार पारी खेले और मुकाबले को बड़ी आसानी से 6 विकेट से जीत लिया। ऋषभ पंत 16 तो वहीं साई होप ने 19 रन बनाए। जीत के बाद दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स टीम को हुआ है पॉइंट टेबल में बहुत बड़ा फायदा, तो वहीं जीटी को हो गया है भारी नुकसान। तो चलिए अब एक नजर डालते हैं इस रोमांचक मुकाबले के बाद आईपीएल 2024 के पूरे पॉइंट टेबल पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि पॉइंट टेबल के पहले पोजीशन पर राजस्थान रॉयल की टीम मौजूद है और राजस्थान टीम अब तक टूर्नामेंट में कुल 7 मुकाबले खेली है, जिसमें आरा टीम कुल 6 मुकाबले जीती है और मात्र 1 मुकाबला हारी है। पॉइंट टेबल पर दोस्तों आरा टीम के फिलहाल 12 अंक है। वहीं दूसरे पोजीशन पर दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर की टीम मौजूद है। केकेआर अब तक कुल 6 मुकाबला खेली है, जिसमें केकेआर 4 मुकाबला जीती है और 2 मुकाबला हारी है। पॉइंट टेबल पर दोस्तों केकेआर टीम के 8 अंक है। वहीं तीसरे पोजीशन पर दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की टीम खिसक गई है और सीएसके अब तक आईपीएल में कुल 6 मुकाबला खेली है, जिसमें सीएसके 4 मुकाबले जीती है जबकि 2 में उसे हार मिली है। पॉइंट टेबल पर दोस्तों सीएसके टीम के 8 अंक है। चौथे पोजीशन पर दोस्तों सनराइजर हैदराबाद की टीम आ गई है और एसआरएच अब तक कुल 6 मुकाबला खेल चुकी है, जिसमें एसआरएच 4 मुकाबला जीती है और 2 मुकाबला हारी है। पॉइंट टेबल पर दोस्तों एसआरएच टीम के 8 अंक है। वहीं पांचवें पोजीशन पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम आ गई है और एलएसजी अब तक 6 मुकाबला खेली है, जिसमें 3 मुकाबला जीती है और 3 मुकाबला हारी है। एलएसजी के पॉइंट टेबल पर 6 अंक है। वहीं पॉइंट टेबल के 6ठे पोजीशन पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम मौजूद है और डीसी अब तक कुल 7 मुकाबला खेली है, जिसमें डीसी 3 मुकाबला जीती है और 4 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट टेबल पर डीसी टीम के फिलहाल 6 अंक है। वहीं पॉइंट टेबल के 7वें पोजीशन पर गुजरात टाइटंस की टीम पहुंच गई है, जहां जीटी अब तक कुल 7 मुकाबला खेली है, जिसमें जीटी 3 मुकाबला जीती है और 4 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट टेबल पर जीटी के भी 6 अंक है। वहीं 8वें पोजीशन पर दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम मौजूद है, जो अब तक कुल 6 मुकाबला खेली है, जिसमें पंजाब 2 मुकाबले जीती है और 4 मुकाबला हार चुकी है। पॉइंट टेबल पर पंजाब किंग्स के 4 अंक है। वहीं 9वें पोजीशन पर दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम बनी हुई है। एमआई टीम अब तक टूर्नामेंट में कुल 6 मुकाबला खेली है, जिसमें एमआई टीम 2 मुकाबले जीती है और 4 मुकाबले हार चुकी है। पॉइंट टेबल पर मुंबई इंडियंस टीम के 4 अंक है। वहीं पॉइंट टेबल के आखिरी और 10वें पोजीशन पर रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की टीम आ गई है। आरसीबी टीम अब तक कुल 7 मुकाबला खेली है, जिसमें आरसीबी केवल 1 मुकाबला जीती है और 6 मुकाबला बुरी तरीके से हार चुकी है। पॉइंट टेबल पर आरसीबी टीम के फिलहाल 2 अंक है। तो दोस्तों आईपीएल 2024 से जुड़ी और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।